ধুবুরী আইন মহাবিদ্যালয়ত 48 বিএম CRPFৰ মটিভেশ্যনেল অনুষ্ঠান। আজি ধুবুরী আইন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত মটিভেশ্যনেল ভাষণ আগবঢ়ায় 48 বিএম CRPFৰ এছিষ্টেণ্ট কমাণ্ডেণ্ট অনিল কুমাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ অধ্যয়নৰ লগতে সমাজ তথা দেশৰ জগত বৰ্তি সমাজৰ বাবে নিজৰ লক্ষ্য একাগ্ৰতা আৰু মনোবল গঢ়ি তোলাৰ বাবে এয়া উপযুক্ত হয় বুলি উল্লেখ কৰে 48 বিএম CRPFৰ এছিষ্টেণ্ট কমাণ্ডেণ্ট অনিল কুমাৰে। আজিকালি অনুষ্ঠানত ধুবুরী আইন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকসকলৰ লগতে ভালে সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত থাকে। आज एक मोटिवेशन क्लास करने के लिए हम लोग आए थे और मेरा खुद का सुनना था कि मैं दो कॉलेज में भी जाकर मोटिवेशन क्लास करूं। पहले भी स्कूल प्रोग्राम में जाता रहा हूं और दूसरे प्रोग्राम में भी मोटिवेशन क्लास करने के लिए जाता रहा हूं। और मेरा खुद का एक तमन्ना रहा था कि मैं लोकल कॉलेज के साथ में स्टूडेंट्स के साथ में जाके मोटिवेशन लेक्चर दूँ। और लेकिन मालूम मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत से क्वेश्चन मैंने इनसे किए और रिप्लाई भी दिया बच्चों ने, और बच्चे काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और यहाँ आना मेरा सफल हुआ है काफ़ी हद तक। इसके लिए मैं कॉलेज स्टाफ को, कॉलेज मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल मैडम को और असिस्टेंट प्रिंसिपल को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किन किन विषय पर चर्चा हुआ आज? मेरे लिए हमारा मोटिवेशन पर रही था, जैसे कि एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे लोग, जिंदगी भर में कितनी समस्याएं आएंगी, समस्याएं तो आती ही रहती हैं लेकिन उसके ऊपर सॉल्यूशन भी है, समस्याएं हैं समाधान भी है, बीमारी आएगी उसका इलाज भी है, उसका इलाज ढूंढने की कोशिश कीजिए, समाधान ढूंढने की कोशिश कीजिए, न कि समस्याओं से रोने की। उनके इसीलिए उनको बताया गया सारे के बारे में और उन्होंने अच्छे से सुना भी है मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, उनका लेक्चर अटेंड करके। ठीक ठीक।